की विचारधारा पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ, जब पूरी देश की जनता के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किए, कांग्रेस की भी सरकार रही और सपा की भी सरकार रही, किसी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद था इन्होंने समाजवाद के साथ गिरफ्तार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी भी हल्ला बोल समाजवाद का नारा नहीं दिया। उसकी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से मेल खाती है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 तक उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन उन 3 सालों में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रांतों में, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रांतों में लाखों लोगों का आवास मिला, लेकिन 3 साल तक अखिलेश जी के सीएम रहने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता को एक आवास नहीं मिला। 400 की बात कर रहा है, मेरे सपा के कार्यकर्ता अभी जनता को पानी में डुबाने की बात कर रहे थे। इनको आईना इनकी रिपोर्ट दिखा रही है, पीएम आवास में जौनपुर का स्थान 61 है, ये देखिए, और शौचालय में आखिरी पायदान से बना हुआ है जौनपुर। ये कहते हैं जौनपुर का बहुत विकास किया है, देखिए जौनपुर में ये सीएम डेस्क की वो है रिपोर्ट है, शौचालय में अंतिम पायदान, शौचालय में अंतिम पायदान सर। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मान पर जो नहीं देख रही है तो जवाब मैं देना चाहता हूँ कि अंत का भी अंत होता है, अंत का भी अंत होता है, अंत का भी अंत होता है, पतझड़ भी एक घटना है साहब, पतझड़ भी एक घटना है साहब, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले आम जनता के और सरकार के बीच में दलाल रहते थे, लेकिन सारी दलाली खत्म, सबके खाते में पैसे आते हैं, सबके घर में अनाज पहुंचते हैं, पीछे पीछे प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, मोदी 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 जी, मोदी जी, मोदी मोदी मोदी, ये 2020 वाली साइकिल पर मोदी मोदी मोदी। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि जो जनता यहाँ आई है वो खरीदी हुई है, अरे ये मोदी जी के लोग नहीं है कि बार बार बस में आए हुए हैं, ये गरीब जनता है, ये अपने पद की आवाज है, ये जनता देखिए एक तो 50% से ज्यादा भी बीजेपी नहीं लाएगी, और ये कन्फर्म हो चुका है क्योंकि देखिए आचार संहिता जैसे ही लागू हो जाएगी हिंदुस्तान के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म से इंडिया के गठबंधन में लड़ेंगे।
मेरा सवाल है भाजपा से, मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से। ये कहते हैं कि अभी बाबा साहब का नाम लिया ना, तो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को फिर क्यों बदला जा रहा है? क्यों लिखा जा रहा है? हल्ला मत करिए। बीजेपी सरकार की हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं हुआ, विकास करना नहीं। अपनी बात रखिए ना, पीछे चलिए। ऐसा है, हमने अभी MSP से पूछा, इनका कोई जवाब नहीं हुआ। गोल गोल घुमा करके ये लोग से गाय गोबर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान छोड़ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप चाइना पे चुप हो जाएंगे, ये नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हो जाएंगे और अपना क्लीन चिट दे देते हैं। पीछे में आ रहा हूँ, आप लोग धक्का मुक्की मत करिए, जगह बनाइए, धक्का मुक्की मत करिए, रखिए अपनी बात रखिए। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि उनको हमने वो उनका इनका संविधान तो नहीं मानते, इनसे पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ये नहीं मान रहे। हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी यही काम करेंगे? पूर्व की जनता कितने रोटे डिलीवरी रोट हो गया है। एक मिनट सर, सर मैं कह रहा हूँ, मैं भा... अरे इनके पास से हट जाओ यार, एक महिला है इधर, क्या कहना चाहिए, खड़े होइए, खड़े होइए, बोलिए। यही सपा, अरे कैमरे के सामने सब यही सपा की गुंडागर्दी है। सही है, सही है, अपनी बात रखिए, संयम तो रखिए, अपनी अपनी बात रखिए, आपस में मत बोलिए, पीछे पीछे चलिए, हाथ मत लगाइए, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए पीछे। अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, सुनिए, देखिए ऐसा है डिबेट एक शिष्टाचार शांति के, ये लोग शुरू से देख रहे डिबेट में तो बात आगे चलिए। अरे अरे हाथ को पकड़ो भाई, आप लोग अपनी बात शांति से रखते तो और अच्छी बेहतर बातचीत हो पाती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं चाहूंगा, तब फिर एक नई जगह आपसे मुलाकात होगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम मेरे साथ जरूर देखिएगा, 5 बजे लाइव।